हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे जनरल एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, जैसे कोटा फैक्ट्री में बोलते हैं ना, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो वैसे ही कानून के अंदर भी एक्सेप्शंस होते हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनना, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, 2 मिनट के समथिंग की बनेगी, तो ध्यान से सुन लेना। एक थोड़ा सा आपको भी नॉलेज हो जाएगा, अगर आप लो बैकग्राउंड से भी नहीं है तब भी आपको नॉलेज हो जाएगा। हर चीज़ की सज़ा नहीं होती, कुछ में आपको एक्सक्यूज़ भी दे दिया जाता है, मतलब आपको छोड़ दिया जाता है। कोर्ट कहता है कि हाँ भाई, इतनी तो गलती हो गई। तो सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, चैप्टर 4, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 1860 के अंदर दे रखे हैं। जनरल एक्सेप्शंस के अंदर अगर कैटेगराइज करें तो इसको 2 कैटेगरी में आता है। पहला आता है एक्सक्यूजेबल, जिसको एक्सक्यूज़ कर दिया जाता है कि हाँ भाई, हो जाती है यार। और दूसरा जस्टिफिएबल, कि हाँ भाई, अब कोई तेरे को गाली देगा तो तू वापस तो देगा ही उसको, है ना, तो जस्टिफाइड है। मतलब ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लो ऐसा नहीं कहता कि तुम गाली के बदले गाली दो, है ना। तो अब एक्सक्यूजेबल के अंदर भी कई चीज़ आती हैं, जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जैसे आपकी प्रॉपर्टी जो है वो अजयपाल सिंह रावत रह रहा है वहाँ पे, लेकिन आप अजयपाल सिंह चौधरी के पास चले गए और वहाँ पे जाके आपने कह दिया कि भाई घर खाली कर, तो आप फिर कोर्ट में ले सकते हो कि सर, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, हमें पता नहीं था कि वो रावत है और ये चौधरी है, ना, ऐसे हो जाता है। तो वो कोर्ट कह देता है चलो ठीक है, आपका केस रफा दफा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई। लेकिन वहीं पे आप ऐसे नहीं कह सकते मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब आप जाकर अमेरिका में जाकर किसी को मार दो और आप कहते हो सर, हमें तो पता नहीं था कि यहाँ पे मारने की सजा है क्या, है ना। तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप किसी देश के अगर कहाँ पे कुछ कर रहे हो तो आपको उसके लॉ की जानकारी होनी चाहिए। कहीं पे भी आप जा रहे हो, आप इंग्लैंड में जाके चोरी करके कैरी नहीं कर सकते कि यार हमें यहाँ पे तो इतने अमीर लोग, हमें सब तो पता तो था कि यहाँ पे चोरी के लिए भी, एक चोरी भी क्राइम माना जाता है, 10 रुपए तो उठाए थे। तो ऐसा नहीं होता ना। दूसरा चीज़ है एक्सीडेंट, कोई भी चीज़ बाई एक्सीडेंट हो गई हो। एक्सीडेंट वो कार वाला एक्सीडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट मतलब कहीं पे भी कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। इसको मैं आगे आपको सोर्स में डिफाइन कर दूंगा। तीसरा होता है इनकेपेसिटी। इनकेपेसिटी क्या भी, आप 3 कैटेगरी हैं। एक तो अनसाउंड माइंड, वो आदमी पागल है, उसको पता नहीं है कि वो किस टाइप का काम कर रहा है, उसको बिहेवियर का नहीं पता कि वो किस टाइप का काम है ना। आप तो आप समझ रहे होंगे, तो पागल है, नहीं पता क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो वो भी एक आपको एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है कि हाँ भाई, इसको ध्यान रखो, आप इसको घर में रखो, बाहर मत छोड़ो ना, कहीं किसी को गाली वाली दे के आ जाए अनसाउंड माइंड का। दूसरा होता है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन का होता है नशा हुआ हुआ ना, तो अपनी जो सही हालत में नहीं होता। अब नशे का मतलब ये भी नहीं होता कि भाई मैं शराब पी के गाड़ी चला था, मैंने किसी को ठोक दी तो मैं कह दूंगा सर सर देखो, मेरे को ना एक्सक्यूजेबल है ये, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन तो एक्सक्यूजेबल, आपको पता ही है, मैंने नशे में था, मैं अपने पूरे होश आवाज में नहीं था। तो कानून कहेगा भाई, तूने खुद नहीं पी थी। इंटॉक्सिकेशन उस चीज़ में लगती है जब ऐसे मानो आप कोई दो दोस्त जा रहे हैं, किसी ने, एक ने जानबूझ के उसको विदाउट नॉलेज, उसके बिना किसी जानकारी के चुपके से उसके अंदर कुछ मिला दिया, और उसको अपने वापस से अपने काम पे जा रहा था, घर पे जा रहा था गाड़ी में, और उसको अचानक से ऐसे मदहोशी सी हुई और वो जाकर कहीं भिड़ गया। तो वो इंटॉक्सिकेशन का जो एक्सेप्शन है वो ले सकता है। एक होता है माइनर। माइनर वो होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती कि भाई ये काम कितना बढ़ सकता है। मम्मी पापा से लड़ाई हो गई, या फिर ऐसे माना आप कहीं जा रहे हो और किसी दूसरे लड़के, बड़े आदमी से आपकी लड़ाई हो गई और आपने उसको कुछ गाली गलौज कर दिया, फिर उसके थप्पड़ उप्पड़ मार दिया बच्चे ने, हाँ मतलब उसने आपकी चॉकलेट छीन लिया, आपने थप्पड़ उप्पड़ मार दिया, तो वो कहेगा भाई माइनर हूँ मैं, देखो मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, इसका कि एक क्राइम होता है क्या होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें माइनर भी फंस जाता है, तो लेकिन माइनर को एक्सक्यूज़ दे दिया जाता है ना। और फिर अब आते हैं जस्टिफिएबल में। जस्टिफिएबल में सबसे पहले होते हैं नेसेसिटी। नेसेसिटी का अगर एग्जांपल देखें तो ये है कि ये काम मुझे करना पड़ा ताकि इस बड़े काम से मैं बच सका। बड़े काम से कैसे बच सका, जैसे सब देते हैं बोट का एग्जाम्पल, मैं भी दे देता हूँ। आप बोट का नहीं, आप थोड़ा दूसरा लो, ट्रक का ले लो आप, ठीक है। आपके ट्रक का ब्रेक फेल हो गए, आप ट्रक चला रहे हो 60 की स्पीड में, स्पीड लिमिट में ही हो। देखो आप ऐसे, ये जो एक्सेप्शंस हैं आप तभी ले सकते हो जब आप सही हो और चीज़ों में, ऐसे नहीं कि आप 120 की स्पीड में रफ चलाते फिर वो रैश ड्राइविंग में आ जाते तो आप नहीं बच सकते उसके अंदर। आप 60 की स्पीड में ट्रक चला रहे हो और अचानक से पता चला कि आपको यार ब्रेक फेल है, अब सामने आपको दिख रही है कि बस आ रही है, या फिर सामने बस है उसने ब्रेक मार रखी है, और साइड में एक गाड़ी है जिसके अंदर 2 बंदे बैठे हैं,
अब बड़ा क्या है नुकसान कि 60 लोग खत्म हो जाएं, है ना, और छोटा नुकसान क्या है, देखो नुकसान है गलत है वो भी, लेकिन छोटा नुकसान क्या है कि 2 लोग खत्म हो जाएं। ट्रक वाले ने मोड़ के सोचा कि 60 लोगों की जान बचा जाए, दो करे क्या, जान तो किसी ना किसी की तो जानी है, तो उसने गाड़ी वाली तरफ मोड़ दिया, इसमें गाड़ी वालों की मौत हो गई। तो इसके अंदर होता है नेसेसिटी कि हाँ भाई इसने सही किया, क्योंकि उसके पास कुछ ऑप्शन था नहीं, उसके कंट्रोल में भी नहीं था, उसको बचाना था किसी की लाइफ, तो उसने 60 लोगों की लाइफ बचाई, तो इस ठीक है। जो और होता है वो उसमें होता है वॉलेंट्री नॉनफिट इंजुरिया, ये मैं शॉर्ट्स के अंदर आपको कवर करूँगा। तीसरा होता है गुड फेथ, गुड फेथ के अंदर किसी के लिए भी अच्छे तरीके से कोई काम करना, किसी के अच्छे के लिए काम किया हो लेकिन वो गलत साबित हुआ, लेकिन आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर थी, आप गुड फेथ के साथ कर रहे, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ आप उसके लिए कुछ कर रहे थे, तो वो गलत हो गया, तो उसमें भी आपको एक्सेप्शन मिल जाता है। चौथा है जो छोटे मोटे मैटर्स होते हैं ना, किसी ने किसी को चाटा मार दिया, किसी ने किसी को ऐसे उंगली कर दी, मतलब ऐसे, तो उंगली करना मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ऐसे कि ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, है ना, वो चीज़ों के लिए अलग चला जाता है, आप समझ रहे हो ना। मतलब ऐसे माना राम शाम बैठे थे, राम ने पेंसिल चुबो दी शाम को, शाम पहुंच गए जेल कोर्ट में कि भाई ऐसा है, तो कोर्ट कहेगा ये तो पेटी मैटर्स हैं, जस्टिफिएबल है, छोड़ इनको, है ना, इसमें से सजा वजा नहीं होती। जो सबसे मेन आता है एक्सेप्शन, आप यहाँ तक देख रहे हो गए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ सीख ही रहे हो यार, मैं कुछ गलत, देख मैं पढ़ाता नहीं हूँ, समझाता हूँ। जो लास्ट है वो है प्राइवेट डिफेंस। अब सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस में बहुत फ़र्क होता है। सेल्फ डिफेंस होता है खुद का, मेरा मेरा डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस होता है मेरा डिफेंस, मेरे फैमिली का डिफेंस, मेरे प्रॉपर्टी का डिफेंस। कोई आदमी आकर आपको दिख रहा है कि सामने एक आदमी आ रहा है मसाल लेके, जिसमें आग जली हुई है ना, ओन मतलब चालू है वो, और वो आपकी झोपड़ी जलाने आ रहा है, आपको दिख रहा है, उसके अंदर आपके बच्चे सोए हुए, आपकी बीवी सोई हुई है, आपने उठा और आपने देखा कि वो आ रहा है, आप भाग के गए और आपने उस पर वार, जो भी आपके हाथ में सामान आया आपने उससे वार कर दिया, उसको मारने के लिए नहीं कि उसको भगाने के लिए, उसको डराने के लिए, आपने उसके लाठी से उसके मार कर दिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाऊं या फिर मैं अपने आप खुद को बचाऊं, उसमें वो आदमी मर जाता है या फिर उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचती है। तो आप प्राइवेट डिफेंस का ले सकते हो कि हाँ भाई मेरे को खुद की रक्षा करने के लिए, मेरी फैमिली या मेरी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए मुझे ये कदम उठाया गया, और कदम ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि आपके पास बंदूक, आपने गोली चलाई, वो भाग रहा है वापिस पलट के, और फिर आपने पीछे से गोली मार दी, तो यार ये एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। ऐसा होना चाहिए कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना, जैसे लकड़ी की मार दी और वो कहीं, वो लकड़ी उसके लगी, वो लज के गिर गया और कहीं पे बाठे से उसके माथा फूट गया तो मर गया, तो ये एक्सेप्शन मिल सकता है, लेकिन वो भाग, आपने चिल्लाया और वो भाग रहा है, फिर आपने पीछे से गोली मार दी, तो ये जस्टिफेबल नहीं होगी, क्राइम होता है, उसके लिए आपको सजा होगी। तो ये कुछ एक्सेप्शन्स हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, 8 मिनट की, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको ये नॉलेज हो गई होगी इसके बारे में। और सर बाकी छोटे छोटे ये चीज़ें हैं, ये सारी 60 60 सेकेंड की शॉर्ट्स में आपके लिए आ जाएंगे। वीडियो यहाँ तक देखिए तो वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।